आज मैं आपको ये कलकत्ता की बिरयानी बता रही हूँ, कलकत्ते में बिरयानी कैसे बनती है वो बता रही हूँ। ये देखिए, पहले मैंने तेल डाला इसमें और बारीक चावल की बनाया मैंने, इस बार थोड़ा डिफरेंट है। और ये ज़रूर देखिए आप, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो ये मैंने बनाया है, इसमें मैं चावल निकाल चुकी हूँ। ये मैं चावल डालूँगी इस तरह से, ये बारीक चावल के बनाया मैंने, इस बार कुछ डिफरेंट बनाया मैंने। लंबे दाने की तो सब बना लेते हैं, ये आप इसे भी बहुत टेस्ट होता है इसका और काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, तो आप इसको ज़रूर बनाइए। ये इस तरह से है, इसकी हम लेयर लगाएंगे। और ये फिर चिकन की ग्रेवी है, ये मैंने चिकन की ग्रेवी बना के रखी हुई थी, ये भी मैंने बता दिया है आपको, ये डाल देंगे। फिर ये मैंने इसकी ग्रेवी भी डाल देंगे। ग्रेवी डाल दिया मैंने, ये बॉयल पोटैटो है, इसको मैंने बॉयल किया है कलर डाल के, अब इसे भी डाल देंगे। और इसकी लेयर लगा रहे हैं, ये लेयर वाली बिरयानी है, ये ऐसे डाल दिया मैंने। ये नींबू का रस डालेंगे, दही डालेंगे, ये बहुत झटपट बिरयानी होती है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको, बहुत अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमने घर का गर्म मसाला बनाया हुआ है, वो मैं डाल रही हूँ। ये मैं घर का मसाला मैंने बनाया था, ये भी मैं डाल रही हूँ इस तरह से। ये मैं आपको बता दूँगी कैसे बनाना है। थोड़ी किशमिश डालेंगे, मंदिर में जरूर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। और देखिए, ये दूसरा लेयर हम लगा रहे हैं, ये लेयर वाली बिरयानी है और एकदम छोटे दाने की है। तो इस बार मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट, सभी तो बड़े दाने के बनाते हैं, ये इस बार मैं छोटे दाने की बना के दिखाऊं व्यूअर्स को, कि जो भी पसंद आ जाए। तो ये हमने पूरे चावल डाल दिए, पूरे चावल डाल दिए हमने, और अब इसे मैंने इस तरह से कर दिया और ये अब तैयार हो गई आपकी बिरयानी। बस दम दे दें और बस सर्व कर दें। ज़्यादा कोई मैं ज़्यादातर बहुत झटपट बताती हूँ खाना बनाना, कि आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो अपना इतना टाइम दे दे, तो इसलिए बहुत झटपट मैं बताती हूँ। थोड़ा ये कलर डालेंगे हम बीच में, इस तरह से डाल दें आप, बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और ये मैंने बिरिस्ता रखा है, बिरिस्ता डाल दूँगी, ये बिरिस्ता है। ये आपकी बिरयानी शुरू तैयार हो चुकी है, अब आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, कलकत्ता बिरयानी से बोलते हैं।